हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आज विक्रम वेदा मूवी के ऋतिक रोशन को ड्रॉ करने वाला हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस तरीके से अपने स्केच में फेस पे शेडिंग करता हूँ और फेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन से मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ इस ड्राॅइंग के लिए, तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेपर यूज़ करता हूँ, कार्टेज पेपर, और जो कि सिंपल रफ पेपर है। और पेंसिल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइबर कास्टल और स्टेडलर की डबल ई ग्रेड की पेंसिल्स, और मैकेनिकल पेंसिल जो कि HB ग्रेड के पॉइंट के साथ है वो पेंसिल्स यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इरेजर में मैं हाईलाइट के लिए मोनोजीरो और नीडेबल इरेजर का यूज़ करने वाला हूँ। अब बात करते हैं ड्राॅइंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेस लेयर ऐड कर देता हूँ। बेस लेयर के लिए मैं यहाँ पर फाइबर कास्टल की HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो बेस लेयर ऐड हो जाने के बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसे सॉफ्टली ब्लेंड कर देता हूँ, जिससे कि एकदम स्मूथ शेडिंग मिल जाती है। और फिर मैं अगर कुछ हाईलाइट करना है तो मैं मोनोजीरो या फिर नीडेबल इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस में इसी टेक्निक का यूज़ करके दोनों ग्लासेस को मैंने शेडिंग कर दी है। और अब जहाँ पर भी डार्क वैली बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ वहाँ पर मैं स्टेडलर की डबल ई ग्रेड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पर मैं स्टेडलर की डबल ई ग्रेड के पेंसिल का यूज़ करके डार्क वैल्यू ऐड कर देता हूँ और फिर उसे ब्लेंडिंग स्टप की मदद से ब्लेंड करता हूँ। क्योंकि अगर हम इस पेंसिल को ब्रश की मदद से ब्लेंड करें तो वहाँ पर स्मूथ टेक्सचर नहीं मिलता, तो उसी वजह से मैं वहाँ पर ब्लेंडिंग स्टप का यूज़ करके ब्लेंड कर देता हूँ। ग्लासेस के बाद फेस शेडिंग में मैं सबसे पहले रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करके जहाँ कहीं भी डार्क वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर जो इंजरी है तो वहाँ पर डार्क वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेडलर के पेंसिल का यूज़ करके वो डार्क वैल्यू ऐड कर देता हूँ। और फिर मैं आसपास के जो भी एरिया है जहाँ पर भी डार्क वैल्यू या फिर डार्क शेडिंग है तो उसके लिए मैं HB ग्रेड और 2B ग्रेड के पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर सबसे पहले बेस शेडिंग ऐड कर देता हूँ और फिर उसे उसी टेक्निक से मैं ब्लेंड कर देता हूँ ब्रश की मदद से। और फिर जहाँ कहीं भी और ज़्यादा डार्क वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर मैं और ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। और इतना हो जाने के बाद मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट एरिया पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। I put my foot on the gas, I got one more than that fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. I gon' care about some cash, I do not carry no cash, yeah. I'd rather carry a Mac, yeah, to put all the hate in the way, I just wanna be the best, been giving a sign that all of them wanna go protest. Been giving a hot that just beat on my chest, boxing me in like the feel of the test. No, they can't see me, guess they gon' guess. Check on your mate, just like it's test. I dress for success while they dress to impress. Devil be plotting, don't wish him the best. Like, ooh, I got a father, his name is Jesus. I ain't from this world, so why you make me choose? Ain't got no debt, cause he paid all my dues. I ain't feel no debts, cause we ain't gonna lose. I hear the trumpet, I hop on my shoes. Holding my Yeezys, I'm gon' need a boost. My dog is been blue and he ain't got a clue. God has been with him like straight out of womb. Straight out of, I'm speaking straight facts, I ain't made them up. Why they speaking straight trash, I ain't man enough to rebuke all they lies and then call they bluff. Yeah, I've been dripped down from head to toe. God is my boast and antidote. They hit the bars from coast to coast. Got a ghost rider, holy ghost, yeah. I've been beaten to the ground, round straight after round. Won't see you in my town or like anywhere. I've been laughed at, I've been clowned. Lost but now I'm found. Pick me off the ground, you're the answer prayer. I put my foot on the gas, yeah. I got one more than that fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. How I gon' care about some cash, yeah. I do not carry no cash, I'd rather carry a Mac shit. Or put all the hate in the rest, I ain't gon' stress but I'm. तो यहाँ पर हमारे जो फेस का जो शेडिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट पार्ट में मैं किस तरीके से बियर्ड को ड्रॉ करते हैं तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।